नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कपूर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कपूर तो हर घर में होता है, पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व है। कपूर का कई प्रकार के रूप से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम कपूर से घर का वास्तु दोष ठीक करने के लिए इसका उपयोग बताएंगे। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा कितना काम करता है ये शायद आपको पता नहीं होगा। केवल अकेला कपूर ही कई प्रकार के वास्तु दोषों का निवारण करता है। घर में खुशहाली लौट आती है। घर में किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, यदि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा हो, घर में अशांति बनी रहती हो, नौकरी और व्यवसाय में तरक्की न रही हो और बाधाएं आ रही हो, तो ऐसे में कपूर के साथ लौंग को रोजाना जलाए। ऐसा रोजाना करने से वास्तु दोष का निवारण होता है और घर में सुख शांति लौट आती है तथा नौकरी व्यवसाय में तरक्की बनी रहती है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष जब बनता हो तो ये नेगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करता है और नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होने से मन तनावग्रसित हो जाता है, मन में अशांति बढ़ती है, घर में कलेश बना रहता है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी नौकरी और व्यवसाय में भी दिक्कतें आने लगती है। वास्तु दोष के कारण उत्पन्न हुई कई प्रकार की परेशानियां सिर्फ आप एक कपूर से ही मिटा सकते हैं। घर में बताई गई सभी परेशानियां से छुटकारा पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए और घर में खुशियां पाने के लिए रसोई घर में रसोई का जब सारा काम खत्म हो जाए, इसके बाद आप एक कटोरे में कपूर और लौंग को जलाए। इस उपाय को आजमाने से घर में सुख शांति आने लगती है, परिवार के सदस्यों की तरक्की होना शुरू हो जाती है और काम के नए नए अवसर भी मिलने लगते हैं। इसके अतिरिक्त घर में आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो और कमाई से ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हो और अधिक कर्ज हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में घर की रसोई घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप रसोई घर में चांदी की एक कटोरे में कुछ कपूर के साथ लौंग को जलाए। ऐसा रोजाना करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है, माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी। ऐसा रोजाना करने से कुछ ही समय में सारी परेशानियां दूर होने लगती है। साथ ही मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। तो देखा आपने कि एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जलाने से कितनी सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।